वैसे तो हम सब अपनी फैमिली के साथ वक्त बिताने के लिए तरसते रहते हैं, लेकिन आज हमारे पास वक्त ही वक्त है, लेकिन हम सब फिर भी बाहर जाना चाहते हैं। क्यों? क्योंकि घर में बोर हो रहे हैं। चलिए, इस टेंशन को दूर करने में आ गई हूँ। हेलो फ्रेंड्स, मैं शिखा। आज मैं आपके लिए कुछ ऐसी फिल्में लाई हूँ जो हम सब अपनी फैमिली के साथ बैठकर देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं बात करती हूँ राज सनन की, जो मेरी फेवरेट मूवी में से एक है। फिल्म की कहानी अरुण नाम के ऐसे लड़के की है जो बनना तो फिल्म डायरेक्टर चाहता है, लेकिन मजबूरी के कारण उसे पुलिस ज्वाइन करनी पड़ी, और तभी से शुरू होता है स्कूली लड़कियों की हत्याओं का सिलसिला। सीरियल किलर पुलिस से दो कदम आगे रहता है। तो क्या अरुण अपना डायरेक्टर वाला दिमाग यूज करके इस किलर को पकड़ पाएगा, या किलर हीरो से बड़ा बन जाएगा? ये सब सवालों के जवाब देगी आपको ये फिल्म। दूसरी फिल्म का नाम है यू टर्न। फिल्म की कहानी एक ऐसे फ्लाईओवर की है जिस पर से गलत यू टर्न लेने वालों की मौत हो जाती है। रचना नाम की एक लड़की ये राज खोलने के लिए खुद गलत तरीके से यू टर्न लेती है। तो क्या रचना इस राज को खोल पाएगी या उसकी भी मौत हो जाएगी, ये जानने के लिए आपको फिल्म देखनी पड़ेगी। अब बात करते हैं तीसरी फिल्म। तीसरी फिल्म का नाम है थाडम। फिल्म की कहानी दो ऐसे जुड़वा भाइयों की है जो एक दूसरे की जान लेने पर तुले हैं। एक दिन एक भाई किसी की हत्या कर देता है, उसे पुलिस गिरफ्तार कर लेती है, लेकिन अचानक से दूसरा भाई पुलिस स्टेशन पहुंच जाता है। फिर आगे जो होता है वो आपके दिमाग का जूस निकाल देगा। अब बात करते हैं चौथी फिल्म की। चौथी फिल्म का नाम है 96। ये एक ऐसी फिल्म है जो हमें हमारे बचपन में ले जाती है, हमें हमारे स्कूली प्यार की याद दिलाती है कि कैसे स्कूली प्यार होता है, किस तरह का होता है। अगर हम उसे देखते हैं तो हम अपने बचपन में चले जाते हैं। कहानी बहुत ही सिंपल है। एक लड़का लड़की एक दूसरे से बेहद प्यार करते हैं, लेकिन अचानक बिछड़ जाते हैं। उसके बाद वो कब और कैसे मिलते हैं, बस फिल्म में यही देखने लायक है। फिल्म भले ही सिंपल हो, लेकिन इसके इमोशन आपको इमोशनल कर देंगे, तो फिल्म जरूर देखिएगा। अब बात करते हैं पांचवी फिल्म की। तो फिल्म का नाम है नीवे बारो। फिल्म की कहानी एक ऐसे शेफ कल्याण की है जो देख नहीं सकता, लेकिन उसको खाना बनाते देख लोगों की आंखें चौंधिया जाती हैं। उसके रेस्टोरेंट पर एक दिन एक लड़की आती है जिसका नाम होता है वेनिला। लड़की गरीबों के लिए खाना लेने आती है, लेकिन धीरे 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 उन लोगों के बीच प्यार हो जाता है। एक दिन अचानक लड़की रोती हुई आती है और कल्याण को बोलती है कि मैं बहुत गरीब हूं और मुझे लाखों रुपए की जरूरत है। कल्याण उसको रुपए देता है, लेकिन अचानक से लड़की गायब हो जाती है। अब कल्याण क्या इस लड़की को ढूंढ पाएगा? क्या वो लड़की कल्याण से रुपए लेकर गई थी? इन सब सवालों के जवाब देगी आपको ये फिल्म। अब बात करते हैं छठी फिल्म की। तो फिल्म का नाम है मजीवी। फिल्म की कहानी एक ऐसे पूर्णा नाम के लड़के की है जो क्रिकेटर बनना चाहता है, लेकिन उसे अंशु नाम की लड़की से प्यार हो जाता है। अंशु के घर वाले दोनों को अलग कर देते हैं। दूसरी तरफ पूर्णा की पड़ोसन शाबरी पूर्णा से बहुत प्यार करती है, बचपन से एक तरफा प्यार करती है, लेकिन अचानक दोनों की शादी मजबूरी में हो जाती है। फिल्म का क्लाइमेक्स इतना प्यारा है ना कि इसको देखने के बाद पता चलता है कि आज भी सच्चा प्यार जिंदा है, आज भी है सच्चा प्यार। अगर आप भी किसी से प्यार करते तो इस फिल्म को जरूर देखिएगा और मुझे कमेंट करके बताइएगा कि आपको फिल्म कैसी लगी। अब बात करते हैं सातवीं फिल्म। तो फिल्म का नाम है डियर कॉम्रेड। यह एक रोमांटिक एक्शन ड्रामा फिल्म है। फिल्म की कहानी एक ऐसे बॉबी नाम के लड़के की है जो गुस्सैल किस्म का छात्र नेता है। उसे लिली नाम की लड़की से प्यार हो जाता है। लिली उसके गुस्से की वजह से उसको छोड़ के चली जाती है, और उसके बाद बॉबी और ज्यादा गुस्सैल हो जाता है, शराब में डूबा रहता है। क्या लिली और बॉबी दोनों दोबारा मिल पाएंगे, ये जानने के लिए आपको फिल्म देखनी पड़ेगी। अब भाई मेरी मानो तो जल्दी से यूट्यूब पे फिल्में डाउनलोड कर लो, क्योंकि
आपको सारी फिल्में यूट्यूब पर मिल जाएंगी। और भाई बाहर तो बिल्कुल मत जाना, क्योंकि भाई पुलिस के डंडे बहुत तेज से लगते हैं। घर पे रहो, बच्चों के संग खेलो कूदो, एंजॉय करो, फैमिली के संग फिल्में देखो। और ये जो मैंने फिल्म बताई है, अगर आपको अच्छी लगे तो कमेंट करके मुझे जरूर बताइएगा। ये मेरा पार्ट वन था मूवी का। अब मैं आपको दूसरे पार्ट में ऐसी ही कई और फिल्में लेकर आऊंगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। मिलती हूँ अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए राम राम।